के साथ लास्ट विकेट की 112 रन की पार्टनरशिप थी। उसको कहा जाता है कि ये इनिंग्स जो है ना, ये दुनिया की मतलब के बहुत अच्छी इनिंग्स है, उसमें रजाक की भी आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोग खेले, लेकिन हारा हुआ मैच जिताने में आप कह सकते हैं एक रिचर्ड्स की और एक अब्दुल रजाक की, जो कि अबू धाबी में किए थे, और भी होंगी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये आज की इनिंग्स है ना, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग हो गई। जितने वर्ल्ड कप भी की वर्ल्ड कप हो रहे हैं उसमें बेस्ट इनिंग, स्पेशली देखिए टाइम कितना गेन किया उन्होंने इंजरी के बाद। कैलकुलेट किया हुआ था कि हम रन नहीं लेंगे तो मेडन ओवर खेले, कि 15-20 मिनट जो दवाई लिए है कुछ भी लिए उसका असर होगा, उसके बाद दोबारा से टर्मिनेटर खड़े हुए हैं। और कौन कहता है कि बगैर पांव सोचो, चलाए रन नहीं होते। वो तो विक्रमजीत की बात तो देखिए नहीं, बाद विक्रम में जी क्या कहते हैं। इनके वालिद साहब बिल्कुल। ये तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर वीडियो के सीधे मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर हो गया है, उसके बाद मैं ये मैच देख रहा था और बीच में मैंने जब 7 विकेट गिरे बंद किया, बट जैसे ही देखा सोकर उठा, मैक्सवेल ने तूफान मचा दिया। ये जर्सी मेरी येलो वाली मैक्सवेल की इस पारी के लिए ट्रिब्यूट है, और जिस तरीके से मैक्सवेल ने खेला है, नेवर सीन बिफोर। ऐसी इनिंग आपने अपने क्रिकेट इतिहास के हाइलाइट्स में भी नहीं देखी होगी। मैंने तो अपने जितना क्रिकेट देखा है कभी नहीं देखी, और हाइलाइट्स भी देखें तो उसमें भी नहीं देखी है। पहले पूरा वीडियो एंजॉय करते हैं फिर। जो बोल रहा हूँ मैं, जी 91 for 7 थे, घर से निकला था 95 पे, घर पे बोल के आया था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। क्या बात, फिर आके आप लोगों से मुलाकात हुई नहीं, मेकअप में काफ़ी देर तक 110 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। जी और जितने भी लोगों ने साथ मैच देखा उनको यही बोला था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। ऐसे ही आखिर मैच जीत गया। मेकअप में टाइम इतना बहुत लगता है। नहीं, आप तो बहुत देर में आए थे इसमें यार नहीं देखी ऐसी इनिंग। सैम रिचर्ड्स को बोलते थे 183 की हमने देखी, 189 देखी है। वो बहुत माइकल होल्डिंग के साथ लास्ट विकेट की 112 रन की पार्टनरशिप थी। उसको कहा जाता है कि ये इनिंग्स जो है ना, ये दुनिया की मतलब के बहुत अच्छी इनिंग्स है, उसमें रजाक की भी आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोग खेले, लेकिन हारा हुआ मैच जिताने में आप कह सकते हैं एक रिचर्ड्स की और एक अब्दुल रजाक की, जो कि अबू धाबी में किए थे, और भी होंगी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये आज की इनिंग्स है ना, मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग हो गई। जितने भी वर्ल्ड कप हो रहे हैं उसमें बेस्ट इनिंग, स्पेशली देखिए टाइम कितना गेन किया उन्होंने इंजरी के बाद। कैलकुलेट किया हुआ था कि हम रन नहीं लेंगे तो मेडन ओवर खेले, कि 15-20 मिनट जो दवाई लिए है कुछ भी लिए उसका असर होगा, उसके बाद दोबारा से टर्मिनेटर खड़े हुए। और कौन कहता है कि बगैर पांव चलाए रन नहीं होते। वो तो विक्रमजीत की बात तो देखिए नहीं, विक्रमजीत क्या कहते हैं इनके वालिद साहब। बिल्कुल, ये काउंटी ने एक्सपेरिमेंट किया है कि लोग बोलते थे फुटवर्क, बोलते थे फुटवर्क नहीं है कुछ भी, अपने पाँव बांध के प्रैक्टिस किए और उसमें बहुत सारे रन बना सकते थे। तो यहाँ से गेम है टोटल। कुछ लोग होते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसमें से मैक्सवेल है कि कम करेगा लेकिन ऐसा करेगा दुनिया देखेगी। बिल्कुल, यहाँ पे हफीज जितनी भी हम बात करें कम है, बट द वे दैट ही बिल्ट दैट इनिंग्स एंड देन यू नो एक्सेलरेटेड नंबर 6 पे आके चेज करते हुए 200 करना, जब आपको पता है कि आप ही हैं अपनी टीम की होप, अगर एक और विकेट गिरी तो टेल शुरू हो जाएगी। क्या लगती, व्हाट डज इट टेक फॉर अ बैटर टू स्कोर लाइक दैट? देखें, मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट, मुझे ज़्यादा हिस्ट्री मैंने नहीं उसको उसकी तरफ नहीं जाता कि कब शुरू हुई, किसने क्या क्या किया, इससे अच्छी, इससे बेहतर सिचुएशन हैंडल और इससे ज़्यादा क्रेजियस बैटिंग मैंने कभी ना देखी और ना ही शायद मैंने सुनी किसी के भी मुंह से कि जी फलाह ने ये किया, फलाह ने ये किया। दैट वाज जस्ट स्पेशल जो हमने विटनेस किया। एक मुश्किल तरीन सिचुएशन जहां पे लगता था कि शायद अभी मैच खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन वो जो सेल्फ बिलीफ था वो इतना ज़्यादा था मैक्सवेल का कि उन्होंने किसी भी लम्हे अपनी तकलीफ, अपने वो तमाम जो स्पेन में से वो गुजर रहे थे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और एक कामनेस थी उनकी वाइल्ड चेजिंग दैट रन, इवन दो ही वाज नॉट मूविंग हिज फीट एट ऑल, उनकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, बट यू नो द सेल्फ बिलीव दैट वाज दैट हाई कि उनको लग रहा था कि मुझे जो भी आएगा मैं उसको अपनी मर्जी से खेल सकता हूँ। तो मैंने तो खैर अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने क्रिकेट को जितना देखा फॉलो किया, मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर इनिंग्स मैंने कभी विटनेस की है। और ये मैक्सवेल को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ द ओडीआई क्रिकेट ये जरूर आएगी, और अगर इससे कोई पास पास भी आएगा तो मुझे शक होना शुरू हो जाएगा। नहीं, गिवन गिवन किस कॉन्टेक्स्ट में ये जिस तरीके से किया गया, देखिए मुश्किल तो थी, साथ में फिजिकली कितनी मुश्किल के अंदर वो मौजूद थे, वहां से अपने आप पे यकीन रखना
और किसी भी लम्हे इनके चेहरे के ऊपर प्रेशर नहीं था। 50 ओवर इस गर्मी में आप जब फील्ड पे होते हैं उसके बाद आके आप इस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करें, नॉट फीलिंग फिजिकली 100% फिट, हैट्स ऑफ। वीके, आई वांट टू टेक योर टेक ऑन दिस, आई नो यू हैव अ लॉट टू से ऑन द वे ही बैटेड, द मैनर इन विच ही स्कोर्ड दोज रन्स इन द एंड, इट वाजंट इवन अबाउट द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एनीमोर, इट वाज, ही वाज ओनली डीलिंग इन बाउंड्रीज। क्या कहेंगे आप ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स पर? देखिए, सुबह बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स पे फंसता है, सिर्फ जो स्पिनर्स पे नहीं फंस रहा था वो मैक्सवेल था। कोई बॉल ऐसा नहीं हुआ जिस जहाँ पे वो स्पिनर्स पे बीट हुआ हो या आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ हिज रेंज हो। आउटस्टैंडिंग, वो हमें पता है कितना बड़ा प्लेयर है जब वो चल जाता है, और स्पेशली स्पिनर्स का बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। आज जो जिस तरह अपनी विल से वो छक्के उसने स्पिनर्स को मारे और जिधर चाह रहा था वहाँ मार रहा था, तो वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स होती है। लेकिन प्लेयर भी ऐसे होते हैं कि बहुत कम प्लेयर ऐसे ये कर सकते हैं। आप इसकी सीलिंग, मैं सीलिंग की बात करता हूँ, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है जिस दिन ये चलता है, मतलब आज देख लें, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है। ऐसी इनिंग्स आम प्लेयर नहीं खेल सकता। लेकिन वो आपने शुरू में सही बात की, ये जो फुटवर्क है ओवर रेटेड होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देख लें, बिल्कुल टांगे उसकी बंदी भी समझें और छक्के मारी जा रहा है। वो कहते हैं जी स्विंग ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, बॉल देख रहा है और मार रहा है और ग्राउंड से बाहर जा रही है। रिस्ट है या फोर आर्म है, जो भी है, पैर नहीं हिल रहे। तो ये जो कहते हैं ना कि जी पैर हिलाने वेट, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी बात। उन्होंने तो बैक एंड हिप भी मना कर दिए यहाँ पर कुछ। लेकिन एक बात इसमें, एक बात और है, ये जो क्रैम्प्स जो इंडिया में पड़े हैं ना, ये बहुत जरूरी। रिजवान को पड़े थे, उसने 135 कर दिया, इसको पड़े, इसने 200 कर दिया। ये वाला क्रैम्प जरूरी है, पता नहीं कैसे पड़ता है। कौन सा क्रैम्प है ये? आई थिंक इसके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए। लेकिन हफीज, यहाँ पे जिस तरह, ठीक है, ड्रॉप चांसेस और जो हाफ वॉलीज पड़ी थी उनके ऊपर भी हम इन डेप्थ बात करेंगे, लेकिन जिस तरह हम अभी उनकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द वे ही बैटेड, बट जिस लिमिटेशन के साथ वो खड़े हुए थे क्रीज पे, अफगानिस्तान हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टू क्रिएट चांसेस। कहाँ पे गलतियाँ हुई एज अ बॉलर, आप क्या देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि बहुत सी ट्राई की, कप्तान ने भी हर जगह पे बॉलर चेंज भी किए, लेकिन मैं वो जो कॉन्फिडेंस था ना उनके चेहरे पे, अगर आप जो आखिरी 150 रन उन्होंने किए हैं एज ए टीम जो आखिरी 150 रन से, वो टोटल कंट्रोल था और उनके फेस के ऊपर कहीं पे प्रेशर नहीं था। इवन कमिंस जो थे वो इस पूरे सफर में, ये जो उन्होंने जर्नी की ये जीतने की, ही वॉज जस्ट एक एक सपोर्टर थे कि जो सिर्फ या तो पूरा ओवर वो हमने ब्लॉक करते हुए देखा, या मैक्सिमम उसके कहने पे अगर मैक्सवेल ने बोला कि सिंगल लेनी है तो सिंगल ली, तो सारा एक बंदे का कंट्रोल था। और उसका सेल्फ बिलीव कितना होगा कि जहाँ पे 150-200 रन्स करने हैं और साथ आउट हो चुके हुए हैं, वो खड़े हैं और वो उनको ये कह रहे हैं कि मैं ये पूरा मैच फिनिश कर दूंगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो फिटनेस के साथ, मैंने बताया कि मैंने तो नहीं देखी और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी ऐसी विटनेस की होगी कि इतनी ग्रेट इनिंग्स जिसमें वो अकेला, वो तकलीफ में भी है, लोगों को आते देखा है तकलीफ के अंदर और कोई सपोर्ट करते देखा है, लेकिन उसने तकलीफ के अंदर मैच भी खुद ही जिताया, सारे छक्के भी खुद ही मारे। तो मुझे लगता है कि जो शाहिदी हैं उनको भी एडमिट करना पड़ा होगा। तो उन्होंने हर वो कोशिश कर ली लेकिन कोई भी चीज़ उनके काम नहीं आई। तो प्लानिंग जो भी थी वो सिर्फ एक ही थी कि मैक्सवेल को कैसे जो है इस पूरी क्रिकेट का जो है, जो ओडीआई क्रिकेट, उसका ग्रेट इनिंग्स खेलने के लिए अपना रोल कैसे प्ले करना है, कितने छक्के मैंने खाए हैं। कल को ये बताया जाएगा कि मैक्सवेल ने वो जो 200 रन किए थे उसमें मैंने 5 छक्के खाए थे। बट यू नो, यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है दैट ही वाज फेरोशियस, ही वाज विशियस, यू नो, उनके चेहरे के ऊपर जैसे आपने कहा कोई स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा था, ही टुक इट लॉन्ग। यहाँ पे सर, जहाँ पे हमने कहा कि वो रिकॉर्ड्स पाइल अप करते चले गए, उसमें जो एक रिकॉर्ड और मजीद याद रखा जाएगा वो 8th विकेट पार्टनरशिप, वो भी हाईएस्ट। पैट कमिंस का किरदार इसमें कितना उम्दा या शानदार था दैट ही अलाउड हिम टू चार्ज एंड डू व्हाट ही वांटेड टू डू। सर, सारा किरदार ही उसका था, दूसरे ये तो थर्ड हीरो था ना। 17 रन बनाए, कितने रन बनाए उन्होंने? 12 रन बनाए, 68 बॉल ली, 17 की स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए। और देखिए पार्टनरशिप देखे ना, 202 जब ब्लॉक करना है रन भागना है
नहीं आउटस्टैंडिंग है इसमें ना, कभी कभार आपके पास अल्फाज नहीं होते कि इसकी क्या तारीफ करें ना। 12 रन एक कैप्टन ने सामने खड़े हो गए, वो भी ठीक ठाक मारते हैं, लेकिन कितना जब्त किया होगा इसको ना। एक दिन और मैंने बोला था कि यार के कहावत है कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक उसके बाद जो कहावत है ना, एक इंसान या एक प्लेयर बहुत कुछ कर सकता है, जो मैक्सवेल ने करके दिखाया। इसीलिए हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। तो ये जो आज परफॉर्मेंस है, जो रिलेट करता हूँ मेलकम मार्शल की एक मैच की, जिनका हाथ फ्रैक्चर था, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था, बैटिंग भी की उन्होंने, 12 विकेट लिए थे टेस्ट मैच में। तो वो अक्सर यूट्यूब पे जिसको शौक है वो जाके देखें। तो ये एक कैरेक्टर होते हैं क्रिकेट के, जो के मिसालें छोड़ रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि कितनी विकेट मारी मेलकम मार्शल ने, स्ट्राइक रेट क्या था, लेकिन उसकी जो बहादुरी है ना, वो उसको सबको याद है। यानी कि पेवस्तर है शजर से उम्मीद है बहादुर। शेर, शेर, आप आपने जो बात की वो फिर बात यही पे आके खत्म होती है। तो कमिंस की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से बहुत अहम रोल था उनका। बिल्कुल, एंड व्हाट एन इनिंग्स ही विटनेस्ड स्टैंडिंग एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड वाचिंग दैट हैपन। और एक पॉइंट पे हफीज, बिल्कुल सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में नहीं था जब वो 5 डाउन थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि दे विल गेट थ्रू, यू नो बहुत ज़्यादा रन्स पड़े हुए थे अभी टू कंप्लीट दैट चेस। बट एज अ कैप्टन उनके माइंड में उस वक्त परहैप्स व्हाट डू यू थिंक क्या चल रहा होगा कि कैसे ये इनिंग्स अब आगे बिल्ड होगी, कैसे हम ओवर द लाइन जाएंगे। देखें अफगानिस्तान के लिए तो उन्होंने जो कैचेस छोड़े, स्पेशली जो मुजीब का कैच था, वो तो उन्होंने सेमीफाइनल स्पॉट छोड़ा। मुझे लगता है कि अब उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे डिफीट के बाद दोबारा से अपने आप को रीगैदर करना और जाके फिर 2 दिन के बाद दोबारा एक अच्छी टीम के साथ उनको जीतना, ये उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन आज के मैच को मुझे लगता है कि शाहिदी हर एक ओवर के स्टार्ट में यही सोचते होंगे कि अभी एक आउट हो जाएगा, लेकिन उस ओवर में फिर 2 चौके 2 छक्के। और मैं समझता हूँ कि ये देखिए ये एक ऐसा चांस था जो शायद थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किया जा सकता था जितनी देर हवा में रहा। लेकिन ये जाने के बाद ये जो दूसरा कैच है, अगर आप वो देखेंगे, अब ये यहाँ से इन्होंने सिर्फ 10 से 15 यार्ड जाना था, लेकिन ही ट्राइड, मैं कहता हूँ चलें ये एक ऐसा चांस था जो लकी था। ये बिल्कुल सीधा आपके हाथ में कैच है, ये सेमी फाइनल ड्रॉप करने वाला कैच है। और इसके बाद फिर मैक्सवेल ने फिर अगर आप इसके बाद उनका साई ऑफ रिलीफ देखें, एंड देन ही थॉट लाइक दिस इज माई नाइट। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैच कैसे जीता जाएगा। और आप देखें कि जो कप्तान है वो लाइक ही प्लेज ऑल द गुड शॉट्स, लेकिन उसने कोई अटेम्प्ट नहीं की किसी एक जगह पे। 60 समथिंग उन्होंने बॉल खेले, किसी एक जगह पे उन्होंने शॉट अटेम्प्ट नहीं की। सो ही वॉज जस्ट देयर कि मैं यहाँ पे रहता हूँ एंड यू प्ले ऑल द शॉट्स। और वहां से ये 200 रन की जो एक, अभी तो बहुत आसान लग रहा है 200 रन कहना, लेकिन उस सिचुएशन पे जहाँ पे 7 आउट हुए हों और आपके 200 रन रहते हों करने वाले, वहां पे इस तरह की मैच्योरिटी, इस तरह का सेल्फ बिलीफ, इस तरह की अथॉरिटी, करेजियस किस्म की जो इनिंग्स है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत आप सिर्फ सोच सकते हैं ख्वाबों में, लेकिन करने के लिए वो सिर्फ एक मैक्सवेल ही था जिसने ये कर दिया। बिल्कुल बीके, यहाँ पे इसी बात से आई वांट टू कनेक्टेड के जिस तरह पैट कमिंस ने जो जिसे कहते हैं ना एक रिजॉल्व शो किया कि ठीक है ही विल नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग, बिकॉज उस पॉइंट इन टाइम पे अफगानिस्तान के बॉलर्स वर ओनली ट्राइंग टू गेट टू पैट कमिंस, क्योंकि मैक्सवेल तो सेट थे अपने क्रीज पे। कमेंटेटर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि द ओनली चांस दे माइट हैव इज परहैप्स अनसेटलिंग देयर बैट्समैन ऑन द अदर एंड। तो पैट कमिंस के सपोर्ट नॉक पे आज आप क्या करेंगे? नहीं, पैट कमिंस तो हमने देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ मैक्सवेल को देख रहे थे। हमें क्या पता पैट कमिंस क्या कर रहा था। जो मैक्सवेल ने जो पहले दो ड्राइव मारे हैं स्पिनर को, आपको पता लग गया था कि आज इसके बल्ले पे बॉल आ रही है, और स्पिनर का बॉल ये बीट नहीं हुआ पूरे। मतलब मैक्सवेल जब इस मूड में हो तो फिर 145 प्लस वाला ही इसको तंग कर सकता है, और कोई बॉलिंग नहीं इसको तंग कर दी। मीडियम पेस और स्पिनर को तो आज इस तरह वो चबा जाता है, उल्टी स्वीप मारा है छक्के के लिए। और वो कमिंस को भी समझ आ गई थी कि अगर मैं आउट ना हुआ तो मैक्सवेल में मैच जिता देगा। और कमिंस भी मेरे ख्याल नूर पे काफ़ी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर बीट हुआ है, लेकिन जो डेंजर मैन राशिद था उसका बॉल तो वो बीट नहीं हुआ। जो स्टंप्स में बॉल आया उसने रोका है। अभी इनके पास नौबत आती तो जैम्पा ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, वो भी इनके पास 2-4 ऑप्शन, एक आधी ऑप्शन और थी, लेकिन कमिंस को ये पता था कि ये Nobody could have done what Max जो मैक्सवेल कर रहे हैं और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, मुझे कोई मतलब मुझे सिर्फ खड़े रहना है, इवन के मुझे रनिंग भी नहीं करनी, मैं एक तरफ खड़ा रहा हूँ। तो वो मतलब ऐसी इनिंग्स कहते हैं कि कभी कभार ना ऐसे प्लेयर एक जोन में चला जाता है। एक एक मिसाल ऐसे है कि जो मैराथन भागता है ना रनर,
वो एक सिचुएशन के बाद एक टाइम आता है कि जब वो क्रॉस कर जाता है ना तो वो फटीक वगैरह खत्म हो जाती है, वो एक यूफोरिया, एक एड्रेनलिन का जोन होता है जहाँ पे वो ऑटो पे चला जाता है, ऑटो पायलट। उसी तरह क्रिकेट में भी कहते हैं जब बैट्समैन या बॉलर एक ऐसे जोन में चला जाता है, सब चीजें उसकी तरफ होती है ना, तो उसका माइंड बड़ा क्लियर होता है, कुछ नहीं वो सोच रहा होता, बॉल देख रहा होता और उसको मारा, आज उस जोन में चला गया था। और मेरा ख्याल है कि वो भी कमिंस ने भी वो देख लिया था कि आज जिस जोन में ये अब चला गया है, जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है और जिस मतलब सिर्फ बॉल को देख रहा है और छक्का मार रहा है और जिधर चाह रहा है मार रहा है, तो मुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसको मेरे ड्राइव मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बस बॉल रोकने की ज़रूरत है। बट सर आज एक दो टीम का मुकाबला था, लेकिन जो दुनिया देख रही थी अफगानिस्तान के अलावा, सब मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं देख रहे थे कि इस खिलाड़ी को जीतना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर हो, टीम हो या पाकिस्तानी प्लेयर हो या अवाम हो, हर एक का जिस तरह से आपने देखा पीटीवी में जिस तरह से शोर मचाया, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है। True. ये नॉर्मल ये नहीं है तो उसकी बैटिंग कैसे नॉर्मल हो सकती है? एक जगह फंस सकते थे, वो एक ही बाउंसर किया है बस, जो यहाँ से उन्होंने मारा और गई यहाँ पे। क्योंकि कभी कभार होता है कि जब आपके पाँव नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं तो वेट डालना है ना आपको, आप जो खड़े हुए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बाउंसर होगी तो आपका वेट ट्रांसफर होगा। वो ट्रिक मिस कर गए, वो ट्रिक तो सर जरूर मिस कर गए। लेकिन मैं एक और चीज़ भी आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब ने क्रिकेट खेली है, कि जब आप इस किस्म की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो उन्होंने भी कह दिया एक एड्रेनलिन का आपका जोन जरूर आता है, कि जब आप इतने पेन में हो, इतने फटीग में हो, आपकी पूरी बॉडी क्रैम्प्स में हो, आपकी पूरी बॉडी कांप रही हो, यू डाउन ऑन द ग्राउंड, आप सोचते तो होंगे, कुछ तो सोचते होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। मैं सीरियसली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है और आप मेरे चेहरे से देख सकते हो, मेरी आंखों से अभी आंसू आ रहे हैं, लाल हैं आँखें, जुकाम और मतलब क्या बोलूँ, है अभी जो पॉल्यूशन वगैरह बढ़ा है आप देख सकते हो, इस वजह से बहुत सारे लोगों को जुकाम, गला ख़राब, वही सीन हो रहा है। बट जिस तरीके से मैक्सी ने खेला यार, सीरियसली यार, क्या खेला यार भाई, क्या खेला यार, ऐसी इनिंग कौन खेल सकता है यार। चलो तीन चांसेस मिले, उसमें उसकी गलती नहीं थी और वो भी स्टार्टिंग में मिले थे, शायद उस टाइम पे अगर विकेट गिरते तो ऑस्ट्रेलिया का काम खत्म ही हो जाता। और ऑस्ट्रेलिया मुझे इस वर्ल्ड कप में अब सबसे डेंजरस टीम लग रही है। अगर मैक्सवेल अगले आने वाले मैच में, मुझे लगता है फिट ही हो जाएंगे, ऑब्वियसली फिट हो जाएंगे, सबसे ख़तरनाक टीम अब ऑस्ट्रेलिया लग रही है यार। ऐसी कंडीशन से मैच जीतना, ऐसी कंडीशन से, मुझे याद है मैंने शायद बचपन में, मुझे एक मैच याद आता, मैच जीते नहीं थे बट यूसुफ पठान ने जब एक साउथ अफ्रीका में एक सेंचुरी मारी थी जहीर खान के साथ, इंडिया कुछ ऐसी खेल रही थी बट मैच फिनिश नहीं कर पाए थे, उन्होंने सेंचुरी मारी थी, वो आउट हो गए थे। और ऐसी इनिंग यार, खैर ऐसी इनिंग तो खेल ही नहीं सकते यार, कोई 200 रन बना दे यार, आपके 7 विकेट गिरे हैं, 200 रन, 200 से कुछ ज़्यादा रन चाहिए। और समझ रहे हो आप, जब मैक्सवेल आए थे 200 से ज़्यादा रन चाहिए थे और 200 रन वो बंदा खेले मार दे, क्या खेला यार भाई, इसके लिए शब्द कम है, शब्द कम है। जिस तरीके का वो खेला लगड़ा रहा, यहाँ पे मैं टीवी पर देख रहा हूँ, कितना खतरनाक खेला भाई, 21 चौके, 10 छक्के, 10 छक्के यानी 60 रन, 21 चौके यानी 20 चौके, 80, 84, 84 प्लस 60 यानी 144 रन इन्होंने मार दिए टोटल बाउंड्री में, और बाकी रन सिंगल डबल करके लिए। बाप रे क्या बैटिंग, 128 बॉल पे 201 रन, मेरे हिसाब से ये ओडीआई क्रिकेट की सबसे बेस्ट इनिंग और सबसे बेस्ट दोहरा शतक मैं मानूंगा इसको। टेस्ट मैच में अगर कोई सबसे बेस्ट इनिंग मैं देखता हूँ तो अभी आपको याद होगा बेन स्टोक ने एक इनिंग खेली थी, लास्ट विकेट था और जमे हुए थे, वो मुझे टेस्ट की सबसे बेस्ट इनिंग लगी थी। और बहुत सारी हैं बट यार सीरियसली यार, बहुत बड़ी इनिंग यार, बहुत बड़ी इनिंग मैक्सवेल की। और इसी तरीके का रिएक्शन ओवरऑल सोशल मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, वर्ल्ड मीडिया पर है, इस तरीके की इनिंग आएगी। और सबसे मेन बात यह है कि जो मुंबई का क्राउड है, मतलब वो मैच देखने आए इतने बड़े नंबर पे, तो उनको डेफिनेटली बहुत खुशी मिली होगी कि यार अफगानिस्तान ने मैच फंसाया। अफगानिस्तान के लिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, अफगानिस्तान के लिए गोल्डन चांस था, उन्होंने थोड़े से अपने फील्डिंग में, मुझे लगता है ओवर एक्साइटमेंट और फील्डिंग छूटी, और मुजीब अफगानिस्तान का सबसे घटिया फील्डर है। अजय जडेजा बीच में आए, समझाने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं हो पाया यार, जब ऐसी ही निगानी है तो कुछ दुनिया के कोई बॉलर कुछ नहीं कर सकते। जब एक बंदा एक टांग पे केवल अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, 50 रन आखिरी के फिनिश कर रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात। क्या कहना है आपको, जय हिंद, मैं मिलता हूँ इसी तरीके का।